यूनिफॉर्म जॉब में जाना, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आर्मी वाले और पुलिस वाले सारे जॉब के जितने भी वैकेंसी निकली थी उसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था। उसी दौरान हमारा लगभग पढ़ते समय 8 गवर्नमेंट पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 4 या 5 लगभग सारे यूनिफॉर्म जॉब ही थे। तो उसी दौरान फिर पीएससी का भी हम लोग को पता चला था, तो पीएससी दी, तो उसमें डीएसपी सिलेक्ट हुआ। हम लोगों ने प्राथमिकता फिर इसी की दी थी। पूर्व की पदस्थापनाएं कहाँ कहाँ थी सर? जॉब में हम लोग 98-99 में आ गए थे। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड हमारा रतलाम में हुआ, फिर ग्वालियर और फिर सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर सीएसपी के रूप में और रीवा सीएसपी के रूप में रहा, और एटीएस में भी हमारी भोपाल में पदस्थापना रही। उसके बाद प्रमोशन होने के उपरांत रीवा और ग्वालियर एडिशनल एसपी के रूप में, और फिर अभी भोपाल एडिशनल एसपी के रूप में पदस्थ। सर, वर्तमान समय में भोपाल राजधानी में आपकी पदस्थापना है, महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? महिला संबंधी अपराध ना हो इसलिए हम लोग के द्वारा जो 100 डायल पे जितने भी एसएमएस आए हुए हैं उनको सबको कलेक्ट करके एक उस पर डाटा निकाला गया कि किस एरिया में महिला संबंधी छेड़खानी या अन्य अपराध ज़्यादा है। उस एरिया में हम लोगों ने सर्चिंग भी कराई है, पुलिस बल भी लगाया, और हमारी FRV और जो मैत्री मोबाइल चलती है उसको भी वहाँ लगाया गया। इसके अलावा जिस एरिया में गर्ल्स स्कूल हैं, कॉलेज हैं, या बस जब छोड़ने का स्कूल छूटने का समय होता है या पार्क है, वहाँ पे भी हमारी मैत्री मोबाइल और हमारा पुलिस बल और इवन हम लोग भी वहाँ जाते हैं। यदि कोई ऐसा मिलता है आपराधिक तत्व तो उसको तत्काल कार्रवाई करके आगे कार्रवाई करते हैं। और इसके अलावा अन्य अपराध ना हो उसके लिए कई लोगों को जागरूक किया गया, जगह जगह जाके जागरूकता अभियान किए गए, शिविर लगाए गए जिसमें हम लोग भी गए, और महिला संबंधी जो NGO होते हैं उनको भी साथ में लेके गए, और हम लोग का प्रयास भी निरंतर जारी है। मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए मादक पदार्थ के बारे में जैसे भोपाल में सूचना मिली थी तो उस दौरान हम लोगों ने बड़ी अच्छी पहल करते हुए बाकायदा जगह जगह जाके तो जन जागरूकता अभियान चलाए कि नशे से ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्कूल्स कॉलेज में भी हम लोगों ने जाके वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कराए, उन लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा एक बड़ा प्लान बनाया, सूचना जहाँ जहाँ मिली वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए कई नशे के तस्कर उठाए गए और उनको जेल भी भेजा गया। आपने हाल में भी सुना होगा कि त्वारा क्षेत्र में बड़ी भारी बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, उसमें हम लोग बाकायदा शामिल थे और सब लोगों ने बड़ा अच्छा कार्रवाई करते हुए कई किलो या कई काफी अधिक मात्रा में आरोपी पकड़े और अवैध जो नशा था वो भी पकड़ा और कार्रवाई की। सर, आपके द्वारा कुछ स्पेशल सामुदायिक पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण विषय होता है, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत क्या ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है जो आम जनमानस में एक खुशी का माहौल हो उस काम से? सामुदायिक पुलिसिंग हमारा ये सोचना है कि पुलिस बिना पब्लिक के या बिना जन सहयोग के कुछ नहीं कर सकती है। यदि हमारा पब्लिक से अच्छा संपर्क हुआ तो हमारे सारे लैंड ऑर्डर या जो भी हमारे यहाँ घटना दुर्घटना होती है तो उसको रोका जा सकता है, यदि हो भी गई है तो उसको जल्दी ट्रेस कर लिया जाए। उसी तारतम्य में हम लोग नगर रक्षा समिति, हमारे ग्राम रक्षा समिति, हमारे मोहल्ला समिति और इवन हमने अपने पुलिस वालों को और SPO लोगों को भी अपने पक्ष में करके रखा है, या हमारे निरंतर संवाद जन संवाद आयोजित करते हैं जिससे एक तो सामुदायिक पुलिसिंग और पुलिस के पक्ष में माहौल भी बनता है और पुलिस को पर्याप्त सहयोग मिलता है और पब्लिक को भी ये जानने में अच्छा लगता है कि पुलिस हमारे पक्ष में है या पुलिस हमारे लिए है। अन्यथा आप लोग देखोगे जो सीरियल्स पुराने समय में या पिक्चर्स बनी हुई हैं वो सारे पुलिस का जो रोल दिखाते थे एक तो तौंदू पेट और बड़ा नेगेटिव भ्रष्टाचारी, ये रोल उस समय ज़्यादा आए जिससे पुलिस की छवि खराब भी हुई थी उस समय। अब आप देख रहे होंगे कि पुलिस से जो संपर्क में आया है वो लगभग लगभग उससे संतुष्ट होकर उसकी तारीफ ही करता है, तो जो उससे सुनते हैं और माउथ एडवर्टाइजमेंट होती है वही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम जन सहयोग या सामुदायिक पुलिसिंग का ज़्यादा सहयोग लेते हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्या संदेश है और आम जनमानस के लिए क्या संदेश है आपका? अभी हाल में ही आप सब लोग हम लोग जानते हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर को लेके निर्माण को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट आने की संभावना है, तो उसको लेके हम पूरे भोपाल वासियों को सभी को एक तो बिल्कुल निश्चिंत करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बिल्कुल रहेगी, आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहें, कहीं भी कोई उपद्रव या कुछ ऐसे तत्व हों तो आप लोग सूचना दें
और यदि सोशल मीडिया में इस बारे में कोई भड़काऊ या उत्तेजक चीजें आती हैं तो आप उसके बारे में भी सूचना दी, आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। इसके अलावा सभी से हमारा ये भी कहना है, अपील है आपके माध्यम से, पुलिस पत्रकार ने इसमें बड़ा अच्छा रोल निभाया है और आप लोगों ने जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कि कहीं भी कोई बात होती है तो तत्काल अवगत कराएं। ऐसा ना हो कि कुछ लोग सड़क पे आए या कोई सेलिब्रेशन करें, इसमें माननीय कलेक्टर द्वारा 144 धारा भी लगाई गई है जिसका पालन हम लोग सब लोग करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं भी, कि कोई भी काम हो अनुमति लेके ही करें। और इस बारे में हम लोगों ने सब लोगों जगह मीटिंग ली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बात हो आप लोग तत्काल लगाएं और सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल बनाएं अपने यहाँ और पुलिस का सहयोग करें। थैंक यू।